महाकाय सूर्यकोटिः समर्थः निर्विघ्नं कुरु मे ब्रह्मा, पालन करता विष्णु, जगत हर्ता शिव का मैं ही स्वरूप निराकार व साकार हूं।
ब्रह्मांड के प्रारंभ से अंत तक का मैं ही सूत्रधार हूं, मैं ओंकार हूं। जहां से कलयुग की कड़ियां जुड़नी प्रारंभ हुई मैं वहीं से आरंभ करता हूं। सरयू में प्रवेश करते ही अपने आदि सनातन स्वरूप को ध्यान करते हुए श्री राम ने पृथ्वी पर अपना कार्य पूर्ण करते हुए विष्णु रूप धारण किया। वह गौ लोक धाम गमन के लिए अपने साथ समस्त अयोध्या वासियों को प्रस्थान का आशीर्वाद दिया और अपने प्रिय भक्त हनुमान से उन्होंने कहा, हे हनुमान, तुमने प्रण किया था कि तुम आदिकाल तक धरा पर रहकर मेरी कथा का प्रचार व प्रसार करोगे। सो हे पवन पुत्र, कलयुग में जब धर्म का एक ही चरण रह जाएगा उस समय केवल हरि नाम कीर्तन ही मोक्ष का सुलभ मार्ग होगा। ऐसे में भक्तों को आपकी सहायता की अत्यंत आवश्यकता होगी, तो हे पवन पुत्र, आप उस समय मेरे युगावतार के कार्य को आगे बढ़ाएं। वो भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए कलयुग के अंत में होने वाली प्रलय तक रहकर पृथ्वी पर वास करें। गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्देवो महेश्वरम्, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरम्, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरम्, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मुझे ईश्वर की ओर से काम मिला है। मैंने अपने जीवन को कल्कि भगवान को समर्पण करके कल्कि भगवान के नाम जाप में लगा दिया। मेरे शरीर, मन, आत्मा का ध्येय कल्कि नाम का प्रचार व प्रसार है। मुझे जो कल्कि का नाम, कल्कि का काम मिला है वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। मैं हूं गुरुवर बाल मुकुंद जी का शिष्य लक्ष्मी नारायण। कल्कि नाम अमृतों का अमृत है। भगवान कल्कि की लीला बड़ी विशाल व जगमगाती है, जो अंदर ही अंदर शक्ति बटोर रही है। किसी दिन ज्वालामुखी की तरह प्रकट होगी। कल्कि नाम की शक्ति से प्रचंड शक्तियां प्रकट होंगी, जिनसे भक्तों, गौ ब्राह्मणों का उद्धार होगा और नाम जाप से सारी पृथ्वी के दुष्ट असुरों का बीज नाश हो जाएगा। जहां से सूर्योदय होता है
और जहां सूर्य अस्त होता है वहां तक गौ हत्यारों का दहन और विध्वंस हो जाएगा। समय समीप आ गया है। दो महाभारत हो चुकी हैं, तीसरी आ रही है जो एटम बमों से लड़ी जाएगी, जिसकी कल्कि भगवान तैयारी कर रहे हैं। जिस प्रकार रामावतार में लोगों ने पहले से भजन किया, उसी प्रकार युगांत के अंतिम अवतार कल्कि भगवान का नाम लेने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है, जो करोड़ों अरबों लोगों को भी नसीब नहीं है। कलयुग को हटाने का भार कल्कि भगवान ने तुम्हारे कंधों पर रखा है। कामयाबी हो गई तो तीनों लोकों व 14 भुवन में जय जयकार होगी कि कलयुग इन लोगों ने कटवा दिया। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें भगवान कल्कि ने अपना नाम लेने के लिए चुना है, क्योंकि इस जन्म की भक्ति अनेक जन्मों की तपस्या का फल है। महाराज का काम सच्चा व सच्चे भक्तों द्वारा अनुभव से प्राप्त हुआ है। कल्कि नाम का उच्चारण स्वयं मार्ग प्रशस्त करता चला जाएगा। ये मेरा अनुभव किया हुआ अमोघ ब्रह्मास्त्र नारायणास्त्र है। जब भगवान कल्कि आएंगे तो सभी भक्तों के जीवन सुखमय बनेंगे। समस्त तीर्थों का पुण्य कल्कि जी के चरणों की नमस्कार में है। सभी प्रार्थना प्रचार पूजन करो, की हुई तपस्या कभी निष्फल नहीं जाती। कल्कि भगवान के प्रति 4 बातें अवश्य ध्यान रखें, खौफ प्रेम अदब परवाह, इन 4ों का होना अति आवश्यक है। संसार में सिवाय कल्कि भगवान के न कोई प्यारा है और न कोई प्यार करने योग्य है। ये नितांत सत्य मार्ग है। कौन है कल्कि, क्या है कल्कि, कैसे हैं कल्कि, आओ मिलवाऊं से जो है मेरे कल्कि, जो है मेरे कल्कि। जय कल्कि भगवान। चक्र के 4 खंड सतयुग त्रेता द्वापर व कलयुग में से 4था युग सर्वाधिक विकराल व कराल है। युगाधिपति कली का प्रवेश हो चुका है। जो कली एक भिक्षुक की भांति आया था, आज उसका साम्राज्य पृथ्वी पाताल के साथ स्वर्ग में भी अपनी जड़ें जमाने पहुंच चुका है। वास्तव में ये मात्र एक राक्षस नहीं है, बल्कि पूरा एक युग है, और इसके द्वारा सोची गई कही गई व करा गया कोई भी कृत्य किसी राज्य व देश पर शासन कर रहे राक्षस का नहीं, अपितु पूरे काल का प्रभाव दर्शाता है। सदा की भांति देवता विलास मग्न है। बिना स्मरण किए कि कली काल की आहट स्वर्ग तक भी पहुंच चुकी है। तेरे नदी तारे दानी तेरे नाथ दारे
सुंदरी में लिप्त हैं और वहां पृथ्वी असहनीय पीड़ा से त्राही त्राही कर रही है। गुरुवर बृहस्पति, आप और यहां हमारी रंगशाला में, आपको यहां आना शोभा नहीं देता। जाइए जाइए, रंग में भंग मत डालिए। अच्छा, अब आप आ ही गए हैं तो आप भी नृत्य का आनंद लें। तत्थई तत्थई जाओ, दूर हो जाओ हमारी नजरों से। ऐसा ना हो कि हम देवराज और तुम्हें कोई शाप दे दें। नारायण देवगुरु बृहस्पति, शांत हो जाइए। यदि शिष्य अपनी मर्यादा भंग करते तो गुरु ही अपने शिष्य को सन्मार्ग पर लाते हैं। देवेंद्र, भोग विलासिता ने आपकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट कर दी है। आप अपने साथ साथ समस्त देवी देवताओं के पतन का कारण भी बन रहे हैं। जो शिष्य अपने गुरु का अनादर करता है उसका पतन सुनिश्चित है। देवगुरु बृहस्पति सत्य कह रहे हैं, देवी पृथ्वी असहाय हो चुकी है, त्राही त्राही कर रही है, मानवता समाप्त हो चुकी है। कलयुग ने धर्म के चार में से तीन पग तोड़ दिए हैं, यदि चौथा भी तोड़ दिया तो आपको पता है क्या होगा? होगा क्या देवर्षि? जब तप हवन यज्ञ सब समाप्त हो जाएंगे और उनसे मिलने वाला भाग देवी देवताओं को नहीं मिल सकेगा, तब न जाने क्या होगा। नारायण नारायण, तब अमृत पान के कारण ना तो आप मृत्यु को प्राप्त हो सकेंगे और भक्ष ना मिलने के कारण आप जी भी नहीं सकेंगे। सोच लीजिए आप सभी का क्या हाल होगा। नारायण नारायण, क्या आप सभी को ज्ञात है कि कृष्ण जी को पृथ्वी से गौलोक धाम गए 5090 वर्ष व्यतीत तो हो चुके हैं। नारद जी, 15 ही वर्ष तो व्यतीत हुए हैं। राजा परीक्षित भी अपने दायित्व पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं, ऐसे में देवी पृथ्वी इतनी शुभ क्यों है?
पृथ्वी के 5090 वर्ष देव वर्ष के 15 वर्षों के बराबर हैं, किंतु आपको नहीं मालूम इन 15 वर्षों में क्या क्या घटित हो चुका है। कर्तव्य विमुख होने के कारण काल चक्र में आए घटनाक्रम से आप सभी पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। नारायण नारायण। परीक्षित जी अपने राज्य का संचालन पूरी निष्ठा से कर रहे थे कि तभी द्वापर युग समाप्त हो गए। द्वापर युग समाप्त होते ही कली नामक राक्षस एक भिक्षुक की भांति उनके सम्मुख आया और अपने रहने के लिए स्थान मांगने लगा। अपने उदार स्वभाव के कारण परीक्षित जी ने उसे जुआ घर, मदिरालय व वैश्यालय तीन स्थान प्रदान कर दिए। परंतु उसने अपनी नीचता का प्रदर्शन करते हुए बड़ी चतुराई से रहने के लिए एक और स्थान मांग लिया। सरल स्वभाव के राजा परीक्षित उसकी चतुराई नहीं समझ सके और उन्होंने उसे रहने के लिए अधर्म द्वारा अर्जित सोने में वास करने का स्थान भी दे दिया। राजा परीक्षित के सिर पर जो मुकुट था वो उनके पूर्वजों द्वारा महाभारत के युद्ध में जीता हुआ अधर्मी कौरवों का मुकुट था और ये स्थान प्राप्त होते ही कलयुग ने परीक्षित जी की बुद्धि पर अपना राज कर लिया और वहीं उसी पल से कलयुग का राज्य आरंभ हो गया जो कलयुग कहलाया। ये रावण या कंस की तरह कोई राक्षस नहीं है, ये अपने आप में एक युग है और इतना विशाल है कि इसकी कोई तुलना भी नहीं कर सकता। बृहस्पति, तुमने सही कहा, मेरी कोई तुलना नहीं कर सकता, हम अतुलनीय हैं, क्योंकि हमारे जैसा नीच विधर्मी ना कहीं हुआ है ना होगा। रावण तारकासुर जैसे राक्षस तो अत्याचार करके यज्ञ हवन विध्वंस किया करते थे, परंतु हमने लोगों की बुद्धि का ही नाश कर दिया है। उनकी दृष्टि में अब यज्ञ हवन आदि सारी चीजें रूढ़िवाद है। बेटा चटुक बटुक बंदी बना लो इन सबको और डाल दो कारावास में। ये कलयुग है और हम इसके राजा हैं। स्वर्ग पृथ्वी पाताल इन सब पर हमारा एक छत्र राज है। नारायण नारायण। अरे कली महाराज, ये सब आपको शोभा नहीं देता, आप तो रथियों के रथी हैं, आपकी तुलना कौन कर सकता है। महाराज ये बृहस्पति जी तो वृद्ध हैं, इनके पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं जो आपका कुछ बिगाड़ सके। मेरी माने तो इन्हें जाने दीजिए। ठीक कहा नारद तुमने, जाने दो इस बृहस्पति को और बाकी सबको बंदी बनाकर कारावास में डाल दो। इंद्र, बहुत राज्य कर लिया तुमने, अब कारावास में जाकर अपना दरबार लगाओ। कली महामूर्ख, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, इसके दुष्परिणाम तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। क्या क्या कहा? दुष्परिणाम? दुष्परिणाम? नारायण नारायण। देवेंद्र, कहां आप दीनहीन दुर्बल देवता और कहां महाप्राक्रमी महाबली युगों के युग कलयुग महाराज।
देवेंद्र, आपका अस्तित्व ही क्या है इनके सामने? शांत खड़े रहिए देवेंद्र। बोलो कली महाराज की। कोई नहीं बोला, हम ही बोलते हैं। जय। ये नारद जी कौन सी लीला रच रहे हैं? कहीं कली तो नहीं सवार हो गया उनके मस्तिष्क पर, जो नारद जी उसी के पक्ष में बोल रहे हैं? हम कलयुग के आगमन से इतने अचंभित नहीं है जितने नारद जी की इस लीला से। महाराज कली, जैसा कि आप जानते हैं और मैंने अभी अभी कहा, ये देवता दीनहीन दुर्बल हो चुके हैं। अमृत पीने के कारण ये मर नहीं सकते और हवन से भाग ना मिलने के कारण जी नहीं सकते। इसीलिए जो पहले ही मर चुका उसे क्या मारना। आपके भव्य कारावास में भी ये सुख ही पाएंगे। नारद जी, स्वीट स्वीट नारद जी। अरे वाह, वेरी गुड नारद जी, यू आर राइट। इन्हें तो जेल में भी सुख मिलेगा, इससे तो अच्छा इन्हें भटकने दीजिए ब्रह्मांड के शून्य में, जहां हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। नारायण नारायण, मैं तो पहले से ही जानता था तुम बहुत बुद्धिमान हो चटुकेश्वर। महाराज कली ये बिल्कुल सही कह रहा है, भटक नहीं दीजिए इन्हें। ठीक कहा, गाल दो इन्हें यहां से और भटकने दो ब्रह्मांड के शून्यों में लाखों वर्षों के लिए। अब मुझे भी आज्ञा दीजिए कली महाराज, ताकि मैं इन सभी पर नजर रख सकूं और समय समय पर आपको उनकी गतिविधियों से अवगत कराता रहूं। आज ये पृथ्वी संपूर्ण रूप से मेरे शिकंजे में है। पृथ्वी पर कीड़े मकोड़ों की भांति रेंग रहे मनुष्यों को मैंने इस कदर भ्रमित कर दिया है कि वो जुआ, शराब, धन और नारी के खेल में लिप्त हो चुके हैं और ईश्वर के अस्तित्व को नकार रहे हैं। पश्चिम में तो मेरा बोलबाला है ही, केवल ये इंडिया भारत वर्ष, जहां मुझे जड़े जमाने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन है यहां भी कुछ लोग जो मेरा काम आसान कर देंगे। आसान कर देंगे।